कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शिवराज ओझा जी ने कोरोना वायरस को लेकर अनेक प्रकार के आरोप लगाए मध्य प्रदेश शासन एवं केंद्र शासन पर। कहा कि मध्य प्रदेश के अनेक शहरों में जिस प्रकार से टेस्ट किट नहीं मिल रही है, इसको लेकर सरकार को चिंता करनी चाहिए। ताली थाली व दिए जलाने से अगर कोरोना वायरस भाग रहा होता तो दुनिया के अनेक देश भी यही करते। इसी प्रकार के अनेक आरोप लगाए गए मध्य प्रदेश व केंद्र सरकार पर। भोपाल से नीरज विश्वकर्मा की रिपोर्ट। नहीं, समाचार देख रहे हैं, भोपाल में हम बैठे हो, कांग्रेस के एक जिम्मेदार नेता बैठे जिनसे हमने काफी दिनों पहले बात भी की, तो हम उनसे जानकारी लेंगे कि जो कोरोना जो फैल रहा है भारत में तो कैसे रोका जाए और कैसे इस पर सरकार नाकाम दिखी है कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में और जो केंद्र सरकार पर कई बार उन्होंने आरोप लगाए, उसी आरोपों की हम जानकारी लेने। सर नमस्कार, आपका राधा इस मतलब स्वागत जी। धन्यवाद नीरज जी। और सबसे पहले तो ये जो महामारी है ये वैश्विक है जी, तो सारा विश्व इससे जूझ रहा है जी। और एक विपक्ष होने के नाते भी मैं ये कहूँगा कि आज हम सरकार के साथ हैं जी, हर परिस्थिति में हम सरकार के सहयोग में के लिए खड़े हुए हैं। आज जिस तरह से कोरोना की महामारी से पूरा विश्व जूझ रहा है, मेरा ये मानना है कि हम लोगों को इसके कुछ और व्यापक उपाय करने चाहिए। जैसे कि जितना हो सके हमें धूप का सहारा लेना चाहिए, हम लोग लॉकडाउन का पूरा पालन करें ये बहुत अच्छी बात है, घरों में सब लोग हम फ्री रहते हैं, सुबह सुबह की जो सौर्य ऊर्जा होती है उसको हम लोगों को लेना चाहिए। दूसरा चीज़, जितना भी हो सकता है उतना गर्म पेय पदार्थ हम लोग खाने में लें, जैसे काढ़ा हो गया, गर्म चाय हो गई, इस तरह की चीज़ों को हम लें, गर्म पानी लें, ठंडी चीज़ों को ना लें क्योंकि ठंडी चीज़ों में इसकी उपयोगिता ज़्यादा साबित होती है कोरोना की। और दूसरी चीज़, जितना भी हो सके उतना हम ये कोशिश करें कि हम सोशल डिस्टेंस का पालन करें, बाहर भीड़ में ना निकलें, लॉकडाउन का सभी लोग सम्मान करें। अब जहाँ तक बात है कि सरकार क्या कदम उठा रही है, तो देखिए सरकार कहीं ना कहीं विफल है। यदि हम सही मायने में बोलें तो ये सरकार की विफलताओं का ही कारण है कि आज पूर्ण रूप से यहाँ पे हमारे यहाँ देश में कोरोना इस भयावह स्थिति में फैल गया है। जब पहला पेशेंट हमारे यहाँ 30 जनवरी को मिलता है, इंडिया में पहला केस कोरोना का 30 जनवरी को मिलता है, तो ऐसी स्थिति में सरकार को 14 फरवरी को नमस्ते ट्रंप करने की ज़रूरत क्या थी, जिसमें पूरे विश्व का मीडिया आया, इतने सारे लोगों को हमने इकट्ठा किया। जब हमको पता था, अगर सरकार को ये बात पता थी, जैसा कि माननीय मोदी जी ने कहा आज अपने अभिभाषण में, अपने संबोधन में, कि हमने पहला पेशेंट मिलते से ही उन सारे देशों से संपर्क विच्छेद कर दिए थे जिन देशों में कोरोना के पॉजिटिव पाए जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब 30 जनवरी को हमारे यहाँ पहला पेशेंट मिलता है तो उसके बाद हमने 14 फरवरी को नमस्ते ट्रंप क्यों किया। दूसरी चीज़, एक मरकज के माध्यम से इतने सारे कोरोना पॉजिटिव पाए गए क्योंकि उसमें विदेशी लोग आए हुए थे, तो 13 मार्च को उनका वो कार्यक्रम वहाँ पे था, इसकी अनुमति किसने दी, उन लोगों को, विदेश से आने वाले लोगों को वीज़ा किसने दिया, क्योंकि कोरोना हमारे देश की महामारी तो है नहीं, ये विदेशों से हमारे देश में आया है और बाय एयर आया है। तो हमारा पहला कर्तव्य ये था, सरकार अगर अपनी विफलताओं को स्वीकार करती है तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमें 30 जनवरी को पहला पेशेंट मिलते से ही हमें 1 फरवरी से इस देश के सारे एयरपोर्ट और सारे बंदरगाहों को सील कर देना चाहिए था, किसी भी भारी व्यक्ति का आना जाना बिल्कुल पूर्ण रूप से बंद हो जाना चाहिए था। तो ये कहीं ना कहीं सरकार गरीब और मजदूरों के लिए आप क्या कहेंगे, जिस प्रकार से सरकार कह रही है कि हम व्यवस्था बनाएंगे, राशन बांटेंगे, 3-3 महीने का देंगे, लेकिन हमने भोपाल या भोपाल से जुड़े हुए कई क्षेत्रों में हम गए तो आज भी वो परेशान है, उनको राशन नहीं पहुंच रहा है, उनको मिल नहीं रहा है, सरकार दावे कर रही है कि मतलब दिखावा कर रही है, इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए ऐसा है, जहाँ तक हम राशन की बात करें तो इसमें गरीब और अमीर का तो महत्व ही खत्म हो जाता है। यहाँ राशन की जरूरत आज गरीब को भी है और अमीर को भी है, यहाँ प्रत्येक व्यक्ति को राशन की जरूरत है। हमारे देश में कोई भी 6 महीने का राशन लेके नहीं बैठता, 3 महीने का राशन लेके नहीं बैठता, प्रत्येक व्यक्ति हर महीने को अपना राशन खरीद के लेके आता है। जहाँ तक हम गरीबों की बात करें तो सरकार दिहाड़ी वाले दिहाड़ी मजदूर आज त्रस्त हैं। जो लोग सोशल वर्कर हैं वो लोगों को भोजन और राशन पहुंचाने का काम कर रहे हैं, आप चूंकि मीडिया से हैं तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोग इस काम में लगे हुए हैं, लेकिन ये लोग कब तक कर सकते हैं, एक ना एक दिन इनके पास भी राशन और धन खत्म होना है।
क्योंकि ये मध्यम वर्गीय लोग हैं, कुछ उच्च वर्गीय भी हो सकते हैं, लेकिन ये एक समय सीमा तक ही सीमित है, उससे बाहर कोई भी आदमी ये पहुंचा नहीं पाएगा इन तक। तो सरकार का ये दायित्व बनता है कि सबसे पहली चीज़ तो ये ना देखें कि किसके पास राशन कार्ड है, किसके पास नहीं है, किसके पास है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जिस तरह कैंपेनिंग करने इलेक्शन में डोर टू डोर जाते हैं, इस तरह अपने प्रतिनिधि वार्ड वाइज आप खड़े करें और डोर टू डोर बिना ये देखे कि ये व्यक्ति अमीर है या गरीब है, एक राशन का मापदंड क्लियर करें, जिससे जो व्यक्ति धनाढ्य होगा वो अपनी स्वेच्छा से आपके पीएम केयर्स में अपना डोनेशन दे देगा, आप बदले में आप उसको राशन तो उसको दें, क्योंकि आज वो भी बाहर नहीं निकल पा रहा है। तो डोर टू डोर वाली फैसिलिटी ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए होना चाहिए, इसमें गरीब अमीर वाली बात कोई है नहीं। सवाल आपसे एक, 21 दिन का जो लॉकडाउन रहा, तो 21 दिन के लॉकडाउन में केंद्र सरकार क्या नहीं ऐसा कर पाई जो आज फिर इनको आगे, मतलब 3 मई का किया गया, व्यवस्था क्यों नहीं बना पाई, चाहे अस्पताल क्षेत्र में हो या खाने राशन की व्यवस्था हो या पहुंचाने की, क्यों नहीं कर पाई? 21 दिन बहुत लोग होते हैं। देखिए, मेरा ये मानना है कि सरकार ने अपनी विफलताओं को हर बार छुपाने का प्रयास किया है। अगर हम इस कोरोना की महामारी को, पहली चीज़ तो हम समझे नहीं हैं, हमारे देश की सरकार 19 तारीख को जागृत होती है और कहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम 21 तारीख को जनता कर्फ्यू करते हैं। तो पहली चीज़ तो जिस दिन ये जनता कर्फ्यू किया गया था, जनता कर्फ्यू का ऐलान किया गया था 19 मार्च को, आपने जनता कर्फ्यू का ऐलान किया था कि 21 मार्च को जनता कर्फ्यू होगा। आपको 19 मार्च को एक अनाउंसमेंट और कर देना चाहिए था कि जितने भी लोग बाहर फंसे हुए हैं, जो लोग अन्य प्रदेशों के दूसरे प्रदेशों में हैं, जो अन्य जिलों के, हम आज थाली लोटे बजा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आज प्रधानमंत्री जी आह्वान कर रहे हैं तो देश की पूरी जनता उनके साथ है, ठीक है। आप दीपक जलाने का बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, हम जला रहे हैं दीपक, थाली बजाने से इसको रोका जा सकता है? बिल्कुल नहीं रोका जा सकता, क्योंकि ये इसका हल नहीं है। इसका हल ये है कि हमको युद्ध स्तर पर पहले मास्क, सैनिटाइजर और पूरे देश को सैनिटाइज करने की ज़रूरत है। हमें आज कहीं ना कहीं इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है, डॉक्टर्स के पास किट नहीं है उसकी ज़रूरत है। घर घर जाके लोगों को क्वारंटीन करना पड़ेगा, जो पॉजिटिव पाए जा रहे हैं उनका पहले टेस्ट करवाना पड़ेगा, आपको युद्ध स्तर पर इसकी जांच करनी पड़ेगी। नहीं तो आज भी जो लोग अगर इससे ग्रस्त हैं, वो घरों में बैठे हुए हैं, तो वो पूरे परिवार को ग्रसित कर देंगे। तो इसकी जांच का सबसे प्रमुख कदम पहले उठाना चाहिए, हमें जितनी हो सकता है उतनी मशीनें इसके लिए ईजाद करनी है। हम भी चाहते हैं घर में आप सुरक्षित रहें, आपकी जो टीम है उसके साथ भी रहें, और चैनल के माध्यम से दो शब्द कोई बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। जी, मैं बिल्कुल, आप जिस तरह से राजधानी समाचार काम कर रहा है उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि इस जो लॉकडाउन के माहौल में सब लोग घरों में सुरक्षित हैं, वहाँ आप जाके जन जन की आवाज़ को लेके आ रहे हैं। तो मैं राजधानी समाचार को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ इसके लिए, और आप सेहतमंद रहें, सुरक्षित रहें, ऐसी मेरी कामना है, धन्यवाद। काफ़ी लोगों से हमने भोपाल में बात किया और उसी के बीच में सभा हो जा जी थी, हम और लोगों के पास जाएंगे, यहाँ के जो सांसद जी उनसे मिलेंगे, और इनके जो मुद्दे हैं वो लगातार हम बीजेपी के नेताओं से पूछेंगे। कुछ तो कमी है जो आज भारत देश, क्या कमी रही जो 21 दिन से 3 मई तक लॉकडाउन जा रहा है? राजधानी समाचार से नीरज विश्वकर्मा की रिपोर्ट, भोपाल, मध्य प्रदेश। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन।